अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। कहते हैं कि इंसानों के नाम जिस तरह उनके मजहब, सकाफत, वतन और ख़ानदानी पस मंज़र को बयान करते नज़र आते हैं, इसी तरह किसी भी शहर की गलियां, सड़कें, मोहल्ले और चौराहों की अच्छी बुरी हालत वहां रहने वाले शहरियों की शख्सियत की अक्कासी करती नज़र आती है और यही चीज़ माशरे की पहचान बनती है। शहर कराची के सैकड़ों इलाके ऐसे हैं जो बुनियादी मसाइल और ज़बोहाली का शिकार होकर कच्ची बस्तियों का मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन आज अपनी ज़बोहाली पर मातम करना नजर आता है। हुकूमत को सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने के बावजूद ये शहर हर किस्म के बुनियादी मसाइल का शिकार है और किसी मसीहा का मुंतजर है। ज्यादातर इलाकों में सड़कें टूट जाने से गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनकी वजह से शहरी मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं और अपनी परेशानियों का बरमला इजहार कर रहे हैं। गाजियाबाद का ही मेन रोड है, बिल्कुल इसको तबाह बर्बाद हो गया है। जगह जगह पैचेस हैं और वो बड़े खतरनाक है, बाज़ औक़ात लोग उसमें गिर भी जाया करते हैं। आप यहाँ पे रिक्शा में बैठ के गुजर ही नहीं सकते हो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ के पार्क की बात की जाए तो पार्क से जहन में तस्वुर आता है कि पौधे, हरी भरी घास, जहाँ चहलकदमी की जा सके, सरसब साफ जगह में वक्त गुजारा जाए, क्योंकि कुदरत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाना हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों को फायदा पहुँचा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दरख्तों, हरे भरे पार्क में दो घंटे गुजारने से जिस्मानी और जहनी सतह पर खुशी और सेहत के जज्बात पैदा होते हैं। मगर अफसोस, यहाँ सरसब्ज तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो सफाई सुथराई का भी फुकदान है, जिसका जिम्मेदार लोग मुतालिका इदारों को ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि दरख्वास्तें देने के बावजूद शिकायत पर कोई भी तवज्जो नहीं देता। एप्लीकेशन डाली हुई है रोड डिपार्टमेंट वालों को, डिप्टी कमिश्नर को, एसी को, एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती को, एमसी को। आदिलाबाद तो इंतहाई ज्यादा फुकदान का शिकार है, कुत्तों के मसाइल है। इस शहर की मिसाल एक ऐसे यतीम की मानंद हो गई है जिसका कोई वाली वारिस ना हो। हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम सच का सफर में आवाम की फरियाद को अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सके और मसाइल से वसाइल तक पहुंचने में उनकी आवाज़ बने। कराची के बेशतर इलाकों की तरह अजीज़ाबाद का इलाका भी मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल से दो चार है। यहाँ की खस्ता हाल गलियाँ, सड़कें और उन पर पड़े गहरे घड़े तो कहीं उबलते गटर और गंदगी के ढेर इस इलाके की दास्तान सुना रहे हैं। इलाके में मौजूद पार्क मनशियात फरोशों का डेरा और आवारा कुत्तों का मस्कन बन चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीन इंतहाई परेशान है और इंतजामिया और इदारों से शिकवा कुना है। इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मेरे आसपास, ये जो आपको नजर आ रहा है मंजर तो बिल्कुल खंडर का पेश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम किस उजाड़ बयाबान जगह पर मौजूद हैं। यहाँ से वहां तक ता हद्दे निगाह आपको सिर्फ कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं, टूट फूट। लेकिन ये जो जगह है ना, बेसिकली ये पार्क थी, ये गौरी पार्क के नाम से किसी दौर में जाना जाता था। और आप पीछे भी अगर देखेंगे जो है ना, वो बाउंड्री बनाई हुई है जहाँ पर कभी शायद फव्वारा चला करता होगा, और आसपास की बाउंड्रीज भी आप देख लें। अभी यहाँ पे सिर्फ कुत्ते, बिल्लियाँ, लोटियाँ खा रहे हैं और कचरा है, नशे ही। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो बिल्कुल पीछे जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर आने का मकसद क्या है? बेसिकली जैसा कि हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। तो इसी हवाले से जो है हमें बहुत सारी शिकायत मौसूल होती हैं। हमें इस इलाके के हवाले से शिकायत आई थी कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 से लेकर अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 तक टूट फूट का शिकार है। और सबसे बड़ी बात, जो ये पार्क है जो कि तफरीगाह है, ये जो है मंशियात फरोशों का गढ़ बना हुआ है। हमें जिन साहब ने कंप्लेन की थी उनसे बात करते हैं। अच्छा, आपने हमें कंप्लेन की इस पार्क के हवाले से, पहले मुझे इस इलाके का पूरा महलों को बताइए। जी, ये अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 है, इसकी अप्लीकेशन हमने दी थी तमाम अदारों को। ये गौरी फैमिली पार्क है, इसका हाल बद से बदतरीन हो गया।
फजर की नमाज के बाद यहाँ पे लोग वॉकिंग करने आते थे, शाम के टाइम यहाँ पे लेडीज़ आके बैठती थी, फूल पौधे हुआ करते थे, एक खूबसूरत माहौल था। अब यहाँ पे इतना बदतरीन सूरत हाल है कि यहाँ पे कचरे हैं, चीज़ें चोरी हो रही हैं, सरिये चोरी हो रहे हैं, लाइटें चोरी हो रही हैं। अदारों को बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद अभी फिर चोरियाँ होना शुरू हो गई यहाँ पे। अभी आप मेरे अगर आप अकब में देखें, गिरीरे आप देखें, हम बांध के रखी हुई हैं, वो भी चोरी हो रही हैं। इसके अलावा पास से हट के अगर मैं आपसे बात करूँ तो एप्लीकेशन डाली हुई है रोड डिपार्टमेंट वालों को, डिप्टी कमिश्नर को, एसी को, एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती को, एमसी को। सही, एप्लीकेशन का कोई हल निकला? कुछ नहीं, लेटर से बात है। नाजरीन, आपको जो है वो ये जो सेंटर विंडो है आपको नजर आ रही होगी कि तमाम एप्लीकेशन जो इन्होंने दी हैं वो तमाम आपको नजर आ रही होगी। बार बार जो है अदारों को रिमाइंडर दिए जा रहे हैं और बार बार लेटर फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो रहे हैं। वो बोलते हैं उनसे बात कर रहे हैं, बजट पास हो गया, काम होगा इंशाल्लाह ताला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम करेगी। काम कुछ उल्टा हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्या काम करेगी? वो तो कचरा उठाने का काम करती है ना। कचरा यहाँ पे इसलिए दिया उनको कि उनका काम है, उनके अंडर में फोकन पर्सन को दिया, पार्ट डिपार्टमेंट किनके अंडर है, पार्ट डिपार्टमेंट उनको दी, पार्क्स को आपने एप्लीकेशन लिखी, उनको दी, इनको दी, अपने गुलबर टाउन को दी, कि उनके अंदर में अगर कचरा पड़ा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल को भी दिया आपने, सेंट्रल को भी दी, क्योंकि डीसी और एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल सलीम साहब ही थे। बिल्कुल एमसी साहब को भी दी क्योंकि वो बजट लॉन्च करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर काम होता है, उनको भी थी। उन्होंने बोला हमने पार्ट डिपार्टमेंट को भी फॉरवर्ड कर दिया और सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी। सही है, तो हल क्या निकला ये बताएं? हल कुछ नहीं हुआ, बस लेटर निकल रहे हैं, बातें वादे बस बातें की जा रही हैं। अभी और ये अरसा कितने अरसे से चल रहा है? ये कम से कम 8 साल हो गए इस बात को। लैस ग्रीन कराची में ये पूरा पार्क क्लियर हुआ था, ये उस दीवार से आप देख रही हैं अकब में आप मेरे, वहाँ से लेकर और ये रोड तक अली जैदीन असलम खान के थ्रू ये पूरा पार्क क्लियर हुआ था। यानी कचरा उठाया था, बिल्कुल पार्क की शक्ल पे आ गया था ये। उसके बाद ये बस से बदतरीन होता चला गया, रोड का बुरा हाल है। आप नाले देख लें, कराची अकेडमी से लेके मेमन फाउंडेशन वाली रोड देख लें, आप इंक्रोचमेंट इंतहाई ज्यादा है वहाँ पे। अगर आप देख लें नाले टूटे हुए, बाइकें टूटी हुई पड़ी हुई वहाँ पे, कोई पुलिसवाले ने हाल नहीं, नालों के सरिये निकाल निकाल के लेके चले जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। अदारे ये देख लें, अगर आकर मैं आपको दिखाऊं, ये है एप्लीकेशन, ये पूरा इनके पास पूरा पलंदा है, ये आप देख सकते हैं। अब ये कहते हैं कि आवाम को शिकायत तो बहुत होती है लेकिन आवाम जो है अपनी शिकायत के सद्दे बाप के लिए कुछ करती नहीं, लेकिन अमली तौर पर इन्होंने हर इदारे को जो है वो एप्लीकेशन दी है। मुझे ये बताएं ये कचरा यहाँ पे कौन फेंक के जाता है? कचरा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने एक ट्रॉली का कचरा उठाया था और वो सारा कचरा जो है उठा के वो देखें आप मेरे सामने, अगर आप अकब में देखें पूरा कचरा वहाँ पे, ये निशानात आ रहे हैं, देखें आप निशान बन रहे हैं, पूरा फेंक दिया। यहाँ तो आवे का हवा ही बिगड़ा है, तो मुझे देख के कहीं लगता ही नहीं कि कभी ये पार्क होगा ना। ये तो मुझे लगता है कचरा जला जला के दीवारें खोखली हो चुकी हैं, ग्रिल्स आप कह रहे हैं नशई हजरात ले गए, दरख्त हमें आस पास कहीं नजर नहीं आ रहे, ये तो बिल्कुल तबाह हाल। नहीं, यहाँ पे बच्चे वॉक करते थे, बगाए थे, यहाँ पे झूले थे, पार्क बच्चे यहाँ पे खेलते थे, एक माहौल था। अच्छा, मुझे नजर आ रहा है सामने भी एक पार्क है, वो सामने जो है वो लेडीज पार्क है, वो लेडीज के लिए होता है, फैमिली आती है, सूरत हाल बेहतर है, बेहतर है, लेकिन वहाँ पे भी सूरत हाल बोरिंग का जो निजाम है बदतरीन है, बोरिंग जो है वहाँ की सूख चुकी है। सही है, और भी इलाका मकीन मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं सवाले सुन से बात कर। आप यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल। कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 20 साल। अजीजाबाद एक पढ़ी लिखी आबादी वाला इलाका समझा जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से जब इस तरह के मनाजिर आस पास देखते हैं? बस यही कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको तो पुरसाने हाल छोड़ रखा है, कोई इस पर यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है यहाँ पर अनऑथराइज चीज़ें बनाते जा रहे हैं, पथारे लगते जा रहे हैं, कोई इसको अमल देखने वाला नहीं। आज मुझे यहाँ तकरीबन 30 से 31 साल हो गए, मैं यहाँ का मुकामी हूँ। हमारी बच्चे आते थे सुबह आके बैठते थे यहाँ पे, खेलते थे, बैठते थे, अब यहाँ पे कचरा कूड़ी बनी हुई है, मोहवाली आते हैं, चर्सी आते हैं, बैठते हैं रात को, ये समझ लो कि बुरी पोजिशन होती है, बहुत ही खस्ता हालत हो गई है, अब कोई फुरसाने हाल ही नहीं है, ऐसी सूरत हो गई है कि यहाँ से निकलना भी, ये देख लें बदबू इतनी है, स्मेल इतनी है, अभी भी हम लोगों ने यहाँ से कचरा उठवाया है। यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर विजिट नहीं करते? नहीं, वो बस यहाँ कोई। कौन है यहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर? यहाँ के जो है लाशेरी साहब हैं असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने कभी विजिट किया यहाँ पे? आते ही नहीं है, विजिट वगैरह करते ही नहीं है। हमने तो बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई है, इतनी
जितनी कंप्लेन गई हुई हमारी बेताशा कंप्लेन गई। आपको लगता है इसका कोई हल निकलेगा? हल की तो बात यह है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी तो मुसलसल जारी है और मुसलसल मेहनत कर रहे हैं हम अपने तौर पे महल्ले की कमेटी के हिसाब से जो हो सकता है सफाई करवा रहे हैं। आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत क्या क्या किया? यहाँ से कचरा अच्छा खासा यहाँ डीप कर दिया था, यहाँ लाके फेंक दिया था, उसको उठवाया वासी भाई ने, उठवाया दूसरे इलाके से लाके यहाँ फेंक दिया, ट्रक लाके फेंक दिया था, अच्छा खासा उठाया यहाँ से। अभी देखे आपको कम दिख रहा है लेकिन अभी भी अच्छा खासा कचरा है, इसमें फुर्सान हाल नहीं है, देखे ना क्या हालत हुई है पार्क की। सही कहा, यहाँ की लाइट वगैरह भी, लाइट वगैरह भी नहीं है यहाँ, आप देखे फुहारा था, अफशार था यहाँ पे लगा हुआ था, इतना खूबसूरत था ये आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत खूबसूरत होता था, अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल यही, कितने अरसे से यहाँ रह रहे? काफी साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। पहले इस पार्क की हालत कैसी थी? पार्क की एक शक्ल दी हुई थी, बेंचेस वगैरह लगी हुई थी, एक रौनक लगी, 7-8 साल से तो यही हालत देखे में आ रही है, वीरान हो गया और मतलब उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे कचरों के ढेर लग गए। जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले यहाँ पे आके कचरे फेंक के जा रहे हैं, बंदा किस किस को फेंक के जा रहे हैं? देखिए ये पार्क जैसा भी है उजड़ा हुआ है, इलाका मकीन का कचरा नहीं है ये। देखिए अगर 90% वहाँ का कचरा आ रहा है तो 10% इलाका मकीन को हम रोक तो नहीं सकते? 90% कहाँ से आ रहा है? ये वही गाड़ियाँ आके कचरा फेंक के जाती है, गाड़ियाँ आके यहाँ कचरा फेंक जाती है, कोई डंपिंग पॉइंट तो नहीं है? ये आए दिन का मसला है, यहाँ पे कचरों के ढेर लगते हैं, 15-20 इदारों में तो जाके इन्होंने धक्के खाए हुए, पता नहीं कितने ये फाइलें इन्होंने बनाई हुई फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी साथ साथ इनके हैं। सही, क्या चाहते हैं आपके? क्या हम तो यही चाहते हैं कि इसको एक बाकायदा पार्क की शक्ल दी जाए ताकि जो यहाँ के रिहायशी हैं तो वो यहाँ पे आ तो सकें कम से कम। यहाँ पे तो बदबू के ढेर, बीमारियाँ इतनी, बीच में जब डेंगू वगैरह का चला था सीजन, अभी भी खैर है, तो यहाँ पे सब मच्छर वगैरह कुत्ते यहाँ पे आ जाते हैं, आवारा कुत्ते यहाँ पे काटने की कितनी कैसी हुए हैं, बच्चों को काटा है बिल्कुल, यहाँ पे अक्सर इस तरह के मतलब सीन देखे में आए हैं कि कुत्ते ने जो है वो काट दिया, काफ़ी दफ़ा हमने जो है वो उनको रेस्क्यू भी करवाया, बट जाहिर सी बात है वो आ जाते हैं, खुली जगह है, वीरान है, तो यहाँ पे आके डेरा बना लेते हैं अपना। सारी बीमारियां भी फैल रही हैं, अगर बीमारियों के नाम मैं बताऊं तो जो मेरी वास्तु साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि चिकनगुनिया, बुखार, डेंगू, मलेरिया, ये तमाम बीमारियां यहां पर आम हैं। और जवाल के बाद अब ये हाल इसके जो कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, और आपने अभी देखा यहाँ पे चर्सी मवाली भी यहाँ पे बैठे रहते हैं। सही, और इसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि हमको एक पनाह मिल गई है ना। बात ये है कि यहाँ पे अब वीरानी रहने लगी है, पहले ये होता था लोग इससे आना जाना करते थे और जो है ना यहाँ पे आ जाया करते थे, लाइट चली गई और दीगर खेलने के लिए यहाँ पे आ जाते थे, चहल कदमी के लिए यहाँ पे आ जाया करते थे, लेकिन जब से ये सिलसिला हुआ है कोई आ ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, और ना आने की वजह से यहाँ पे सन्नाटा रहता है, जिसकी वजह से आए दिन स्नैचिंग वगैरह के वाकयात होते हैं। इस सिलसिले में भी पीछे यहाँ पे बैरियर के लिए LMLA ने दरख्वास्त दी है और बैरियर लगाने की कोशिश की है, अपने तई जो कर सकते हैं महल्ले वाले वो तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर वो इस सिलसिले में उसके पास जो फंड्स होते हैं उसको प्रॉपर वे में लगा दे तो उससे बहुत सारी चीज़ें। सही, बेसिकली पार्क का मकसद क्या होता है? पार्क का मकसद ही होता है आवाम को जो उसके घर में जो एक टेंस माहौल होता है यहाँ पे आए तफरी में तो वो हशाश बशाश होकर जाए यहाँ से, फिर आना जाना लगा रहता है, तो उसकी वजह से जो स्नैचर्स होते हैं और चोरी करने वाले लोग होते हैं वो भी जो रहते हैं वो डर जाते हैं। बच्चों के लिए इशू सबसे बड़ा ये है कि बच्चों को हम बाहर निकाले हैं, हमें डर लगा रहता है कि कोई जो है ना चर्सी मवाली बच्चे को उठा के ना ले जाए, क्योंकि उससे इससे गर्ज नहीं है, किसी के बच्चा चलाएगा उसको क्या नुकसान होगा, उसको तो ये देखना है कि हमें ये बेच कर जो है बच्चे को और जो है ना हमें चर्स की कोई चीज़ मिल जाएगी। तो ये एक बहुत पार्क जो है ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जो है वो किरदार अदा कर सकता है अगर इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। पार्क के अलावा और क्या क्या मसले मसाइल हैं? इसके अलावा आप ये रोड देख सकती हैं, अजीजाबाद का ये मेन रोड है, बिल्कुल इसको तबाह बर्बाद हो गया है ये। लास्ट टाइम कब बना था ये? ये लास्ट टाइम मुझे तो सही से याद नहीं है, पैचेस वगैरह लगते हैं प्रॉपर वे में, जो वर्ल्ड जीरो से स्क्रैच से जो बनता है वो तो नहीं बना, हाल बत्ता पैचेस वगैरह बीच में लगाए गए लेकिन वो बराए नाम थे। आप खुद भी आएंगी आपने देखा होगा यहाँ पे जगह जगह पैचेस हैं और वो बड़े ख़तरनाक है, बाज़ औक़ात लोग उसमें गिर भी जाया करते हैं, तो ये रोड का एक तो इशू है। इसके अलावा हमने सुना है यहाँ जब बारिश होती है जी, तो बहुत अबतर सूरत हाल होती है यहाँ पर, पूरी पूरी सड़कें भरी हुई होती है, बिल्कुल भरी हुई होती हैं, और जो है अक्सर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वाले डिसबैलेंस भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो गिर भी आते हैं, हादसात का ये सबब भी बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो है ना कुत्तों की बहुत ज़्यादा जो है ना इस इलाके में
अजीज़ आबाद में ना बहुत ज़्यादा भरमार है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से भी देख रहा हूँ कि वो लोग भी जो है ना कुछ इस हवाले से कवर नहीं कर रहे। यहाँ पे जो है ना ऊपर की तादाद बढ़ती चली जा रही है, वो उसको उनको भी दरखास्तें दे रहे हैं लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं करते, एनक्रोचड वालों को दरखास्तें देते हैं। इलाका मकीनों का कहना ये है, एक तो सबसे बड़ी बात पार्क होता है तफरी के लिए, यहाँ पर ये तफरी नहीं बल्कि जराइम का मरकज बन चुका है क्योंकि यहाँ पे मंशियात फरोश जो है वो बैठे हुए होते हैं। दूसरा, आए दिन चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, स्नैचिंग होती है इधर से। तीसरी बात उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो तजावजात की भरमार है जो कि इदारे को नोटिस लेना चाहिए। फिर चौथी चीज़ ये कि सड़क का वैसे ही हाल बुरा है, फिर ये अतराफ से दोनों तरफ से जो है वो गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, फिर उस पर भी पथारे वाले और मज़ीद इंक्रोचमेंट हुई हुई है। और जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करें। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी, यहीं। सुबह नमाज के लिए जाते होंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कुत्ते हैं यहाँ पर, बेतहाशा कुत्ते हैं हर जगह हर गली में। मुश्किल है, कुत्ते के काटने के वाकयात हुए हैं यहाँ पर? हाँ, कई वाकयात हुए। यहाँ करीब कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है जो उनकी ट्रीटमेंट कर सके? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत परेशानी होती होगी। कुत्तों के मसाइल हैं, सफाई का मसाइल है, कचरे के मसाइल हैं, बगीचे का, ये पार्क का मसला है। 2001 से 2005 तक ये पार्क चमक रहा था, 100 गमले हमने अपनी निगरानी में यहाँ रखवाए थे, लाइट अपनी निगरानी में लगवाई थी, सब जल रही थी, यहाँ पानी की लाइन भी लगवाई थी, लड़के अपनी मदद आपकी दे इसको रोजाना खुशी के साथ पूरे पार्क को पानी भी दे देते। बाकायदा गुलबर्ग टाउन से एक मालिक की यहाँ पे ड्यूटी भी थी, साफ़ सुथरा माहौल था, मगर ये जो हुआ गंदा इसलिए हुआ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गुलबर्ग टाउन KMC कोई तवज्जो नहीं दे रही। जब से बलदियाती नुमाइंदे लोग ख़त्म हुए, यूसीज का मामला ख़त्म हुआ, बेहाल हो गया। एक हमारा अजीज़ाबाद तो इंतहाई ज़्यादा फुकदान का शिकार है, किसी रोड किसी गली में जाके देख लें आप, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, साइड की गलियाँ टूटी पड़ी हैं, बैक गलियाँ टूटी पड़ी हैं, रोड साइड के सब टूटे पड़े हैं, लाइट नहीं है। अभी यहाँ भी यही पुरसाने हाल है, जंगल बना हुआ पार्क। क्या चाहते हैं भाई, जैसे पहले था वैसा होना चाहिए? बिल्कुल वो होना चाहिए, अल्लाह वाला वो जब ही होगा जब अवामी नुमाइंदे आएंगे, उनको पावर दी जाएगी, उनको फंड दिया जाएगा, तो लामला सारे काम होंगे, डेवलपमेंट काम होंगे। किसी ऐसे बंदे को वोट दिया जाए, ईमानदारी की बात है, जो इलाके का हो और काम करने का ख्वाहिशमंद हो, वो ये चाहता हो कि डेवलपमेंट हो और तब्दीली आए, काम नज़र आए, लोगों को सहूलियत मिले। हमने ये देखा है कि आज की सोसाइटी में जो है बच्चे मोबाइल में जो है वो लगे रहते हैं, और जब पार्क्स की इस तरह की हालत होगी तो हम कैसे अपने बच्चों को कह सकते हैं कि जाओ बाहर जाके खेलो? देखिए, मैं तो देखिए यहाँ का रहायशी मैं इतना पुराना हूँ कि मैं बचपन इन बच्चों से गुजरा है, मैं छोटे से लेकर इस उम्र तक आ गया हूँ, मेरी रहायश पीछे ही है, तो इस मोहल्ले का सबसे पुराना बंदा मैं ही हूँ। और जो पार्क के लोग बात कर रहे हैं, ये हमारी आँखों देखिए हाल है कि हम लोग अपने सामने सामने बनते हुए भी और बिगड़ते हुए इस कंडीशन में आते हुए देखा है। बच्चों की जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो बच्चों के लाजमी बात एक्टिविटीज़ है ही नहीं, बच्चों जब पार्क हो तो वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में पढ़ेंगे ना, अब तो बच्चों का जगह ही नहीं होती, तो वालदेन कहते हैं बेटा घर में रहो। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे जो हालात सराउंडिंग के चल रहे हैं इसमें स्नैचिंग चोर चक्के बहुत आ जाते हैं, चर्सी के लाद आ जाते हैं, तो चर्सियों की वजह से फैमिली जो है या जो कंडीशन पार्क की है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कोई इस कंडीशन में आए खेले जगह के, तो लाजमी बात है प्रॉब्लम तो हो जाए। आपको लगता है कि कोई हल निकलेगा जहाँ इतने इदारों पर दस्तक दे चुके हैं उसके बाद? देखिए, मसला ये होता है, हम तो अपने एफर्ट करेंगे ना, क्योंकि आपका इलाका है, हमारा इलाका। देखें, अगर आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला वाक़ा, अगर आपको पता हो तो चुड़िया थी वो पानी डालती थी अपने मुँह से, तो लोग कहते तेरी पानी डालने से आग बुझने वाली तो है नहीं, तो उसने कहा मेरे हाथ जितना हद के तक हमारा किरदार होगा, हमारा हमारे मोहल्ले वालों का, हम अपने एफर्ट देंगे। सही है, इलाका मकीन बहुत पुरउम्मीद है, वो ये कह रहे हैं कि हमने हर इदारे पे हर दरवाजे पे जाके दस्तक दी है, हर इदारे पे एप्लीकेशन दी है, और हम आपको बुलाने का मकसद भी यहाँ पर यही है कि हम पुरउम्मीद हैं कि अगर हमारी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक जाएगी, जिम्मेदारान तक जाएगी, तो इसका हल निकलेगा। अच्छा, ये देखिए आप, यहाँ पे बच्चा जो है ना वो छुरी है उसके हाथ में और पत्ते तोड़ रहे हैं। अभी इन्होंने पूछा, आपने पूछा आवाज़ मार के? मैंने पूछा इनसे, मैंने ये क्या कर रहे हो, कह रहे हैं ये पत्ते तोड़ रहे हैं और बकरियों के लिए तोड़ के लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो बस ये यही रहता है यहाँ, जो बचा कुचा ना यहाँ से सब ले जाएंगे। कहाँ से आयो? मैं गरीबाबाद से। सही है, तो यहाँ किसने बताया कि यहाँ से आओ, यहाँ से तोड़ के? ऐसे तोड़ के ले आ रहा हूँ, पूरा पेड़ थोड़ी ना तोड़ रहा हूँ। चलो जी, ये कह रहा है कि मैं पूरा दरख्त थोड़ी लेके जा रहा हूँ, कुछ पत्ते तोड़ के लेके जा रहा हूँ। इसी तरीके से ग्रिल्स अलग गायब हो चुकी है, और पूरा मतलब कहने का तो फायदा नहीं ना, सबने यही तो बताया कि पार्क का हाल क्या है।
खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो मुझे बताइए, ये यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ थी? ये माली का कमरा था, इसमें ट्रॉली होती थी, इसमें पानी की मशीन होती थी जो बोरिंग के अंदर लगी हुई थी, और वो भी चोरी हो गई। सब मशीनें गायब हैं, बोरिंग गायब है, कुआं भी बंद कर दिया गया, चीज़ें चोरी हो गई, माली गायब हो गए। हरा भरा खूबसूरत बाग था ये, और मुझे याद है कि इस बाग की तस्वीर मेरी आंखों के अंदर है। और अब इसे उजड़ी हुई हालत में देखती हैं। दुख होता है, जितनी मेहनत से बनाया था वो याद है, फिर इसको और संवारा बाद में वासिफ ने, मगर अब फिर उजड़ गया, कोई देखता ही नहीं है। मैनेजमेंट वाले आते हैं, आधा इधर इधर उधर इधर उधर किया, कच्चा किया, चले गए। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों में यही खड्डे हैं, लेडीज जाती हैं, बाज़ वक़्त बच्चे उनके अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, बाज़ वक़्त वो खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। प्रेगनेंट ख़वातीन की बात कर रही हूँ बेटा मैं, इस सड़कों से गुजर नहीं सकती हैं वो। चोरियाँ डकैतियाँ आम है, छीना झपटी आम है। मेरे घर के आगे भी 3 दफ़ा मेरे अपने आप से मेरा मोबाइल छीन चुका है। और वो जिसने भी स्नैचिंग की, कोई एलएम मतलब कोई इलाके का नहीं था? कोई नहीं देखता आगे, क्योंकि उसने तो बंदूक रख देनी है। एक दफ़ा धक्का देके भाग गया, चोट लग गई, अब चोट को संभालू या वो, मैं तो गिरेबान पे हाथ डाल देती हूँ। क्या समझती है इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? कुछ हुकूमत है, कुछ हालात है, कुछ आवाम है। गंदगी करने में आवाम कम नहीं है, आवाम भी फेंकती है। आपने देखा कभी कि यहाँ ऊपर से कोई शॉपर गिर गया, उधर इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया, यहाँ देखा है? आवाम भी गंदी है, छोटे छोटे बच्चे हैं गंदगी में खेल रहे हैं, पैंपर हैं, आदमी जा रहे हैं ऊपर से पैंपर फेंका, वो नमाज को जा रहे हैं पूरे मुंह पे पैंपर ही पैंपर हो गया, बिल्कुल आवाम में सेंस नहीं है। क्या चाहती है आप, क्या जो है वो जिम्मेदारान से मुतालबा करती है, क्या होना चाहिए? और जरा बबाहन दहल कीजिएगा मुतालबा। मेरा एक सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि अगर ये इस्लामी मुल्क है के, तो इसके अंदर घरों से कच्चा फेंकना, ऊपर से कच्चा फेंकना, घरों के आगे कच्चा जमा होना एक सजा के तौर पर रखा जाए और उनके ऊपर जुर्माने किए जाएं। सही। और इस पार्क के अंदर, हर पार्क के अंदर, ये एक पार्क नहीं है, पता नहीं कितने पार्क है जो हमारे हाथ के बनवाए हुए, वो सारे पार्क इसी हालत में मौजूद है। सही। इस पूरे एरिया में, अजीजाबाद ब्लॉक 2 में कितने पार्क हैं टोटल? इसमें 2 पार्क अच्छे हैं, बकाया कच्चे, आगे पार्क जाए वहाँ 6-7 पार्क है, वो सब टूटे फूटे गिरे गई हुई, ये हुआ हुआ। मोर पार्क का बेहतरीन जानवर, उसके अंदर मोर होते थे, धमाका हुआ, पार्क भी गया, जानवर भी मर गए। पार्कों को गंदा किया आवाम ने और उसको गटर बनाया आवाम ने, गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। भाई ये पार्किंग की जगह थोड़ी है, ये बच्चों के और औरतों के खेल, औरतों के बैठने की और मर्दों के बैठने की जगह है। अगर लेडीज पार्क बना हुआ है तो उसके अंदर लेडीज बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चे खेले, नहीं वहाँ मर्द घुस जाएंगे। सही। किस तरह के अफराद की आमदोरफ्त रहती है यहाँ पर? यहाँ तो चर्सी मवाली और कुत्ते और बिल्लियाँ होते हैं इस पार्क में, तो हर पार्क में यही हाल है अब। या फिर जुमे बाजार, हफ्ते बाजार लग जाते हैं, लोगों की आमदनियों का दरिया शुरू हो जाता है, वो लगा लेते हैं। हुकूमत किसको इजाजत दे देती है, कौन लगा लेता है? कोई पार्क चैन का सुकून का नहीं। से कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो उनको ट्यूशन वगैरह छोड़ने जाती होंगी, और बच्चे सारा दिन फिर घर में ही होते होंगे क्योंकि खेलने की तो जगह ही नहीं। यहाँ तो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप निकाल सकें। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हमें खुद नहीं गुजरते हुए डर लगता है, तो फिर बच्चों का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब यहाँ से निकालें। क्या आइडियली क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि जहाँ एक माँ बेधड़क होकर अपने बच्चों को भेजे, कि जो भाई भरा भरा माहौल हो, फैमिलीज बैठी हो तो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं। जब यहाँ क्रिमिनल बैठे होंगे, आपको देखा होगा अपने चर्सी मवाली बैठे होंगे, तो कौन भेजेगा? तो फिर अगर आप इस माहौल में निकालेंगे, इस तरह के उसमें अगर कोई हो भी ना, तो आपने देखा है कुत्तों के हमले होते हैं यहाँ पे, कुत्तों की इतनी बहुत आते हैं, फिर इतनी गंदगी है, इतने जरासीम है, तो उसमें कौन भेजेगा? आपने यहाँ से सिर्फ सीधा सीधा निकल जाना होता है। हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं, क्या इन सहूलियात पर, बेसिकली ये सहूलियात नहीं है, ज़रूरियात है, इन पर हमारा हक नहीं है? पार्क तो बहुत बात की बात आती है, जो आपकी ज़रूरत है, आपकी गुजरने का रास्ता है, जब वो ही ख़राब है तो आप उसकी क्या होते हैं? बारिशों के बाद तो हशर हुआ हुआ होता है, सीवरेज का पानी, वो जो थोड़े थोड़े उन्होंने पैचेस बनाए हुए होते हैं, जो हम पे एहसान करके उन्होंने थोड़े थोड़े बनाए होते हैं, वो सीवरेज की वजह से खा चुके होते हैं। आप यहाँ पे सीवरेज के लिए कितनी दरख्वास्तें दे चुके हैं कि भाई यहाँ पे इतनी बार मसला होता है? नहीं, कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों की वजह से खवातीन का मिसकैरेज भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे रिक्शा में बैठ के गुजर ही नहीं सकते हो, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। हम तो ये रोड गुजरने के लिए हमने छोड़ ही दी है कि आप यहाँ से निकल सकते हो। आगे से जो है वो आधे से ज़्यादा रोड पे कचरा है, और इतनी रोड टूटी भी होती है कि सवारी जो जिसमें भी आप बैठे हो
वो आपकी रुक रुक के चलेगी तो आपके हाथ में जो है वो तो लुटना ही लुटना है। अच्छा, रात के वक्त इतना अंधेरा होता है कि आपको कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती, हर चीज़ चोरी हो, इतना अंधेरा होगा तो जाहिर बात है कोई भी होके चोरी कर लेगा। सही, हमें अच्छा वहाँ एक स्ट्रीट लाइट्स तीन लगी हुई और तारे वगैरह कटी हुई, उनमें लाइट्स वगैरह है नहीं, कहाँ से होंगी, बस ये वैसे ही लगाया है सजावट के लिए। जो यहाँ सारी चीज़ें थी वो तो सब खत्म हो गई है ना, कुछ है ही नहीं, वो एक पुरानी जो खंडरात की जो बाकियात निकलती है वह वही है। अच्छा, आपने देखा किसी को कोई कचरा यहाँ पे, कौन फेंक के जाता है? चलते हुए निकलते हुए लोग फेंकते हैं, क्योंकि वो जमादार को तो कचरा देते नहीं है ना, अपना घर साफ रखते हैं और अपने घर का गंद आके सड़क में फेंक देते, ये नहीं सोचते कि ये हमारी ही जगह है, हम साफ करेंगे तो हम किससे शिकायत करें, जब हम खुद गंदे हैं तो हम शिकायत करने वाले कौन हैं। जैसा ये बाग है वैसा ये झंडा है, आप ये झंडे को देखें, जिनका झंडा लगा हुआ उनको रिप्रेजेंट करता है ये कि किस तरह का काम हो रहा है यहाँ, ना सड़कों के ऊपर काम हो रहा है। आप अजीजाबाद की सारी गलियों में खोरे, पिछले 2 महीने से सड़कें खुदी हुई हैं, सड़कें खोदने वाला तो अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी करके जाता है, लेकिन वो बंद करने वाला पता नहीं किधर गायब हो जाता है। लाइनें डल चुकी हैं, डली हैं, ऐसी डली हैं के वो बस अल्लाह ही अल्लाह, खैर से अल्लाह है, अगले साल फिर बहने लगेंगी, अगले साल भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कवर करने वाला कोई नहीं, नहीं वो तो आवाम ने खुद ही कवर कर दिया है, वो जितने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे वो रक्षा उलटते हुए देर नहीं लगती है, और उलट भी जाते हैं, लोगों को चोटें भी लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती। जो मेन होल्स वगैरह हैं वो ओपन है या कवर हुए हैं? किसी दिन कवर हो जाते हैं तो कोई नशे के आगे उठा के चलता बनता है, फिर वो बेहाल परेशान होता है कि मेरी किस्मत क्या है, वो आपके टैक्स के पैसों से याशी करें। लेकिन जब हमने खुद ही सब कुछ करना है तो फिर हमें पैसे हम इनको क्यों दें? बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बैट लेकर आए हुए हैं, जरा इनसे पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हंसला। हंसला, हंसला आप खेल रहे हो उधर? जी। ये इतनी मट्टी है यहाँ पे, आपके पूरे शूज मट्टी मट्टी हो गए, मम्मा ने बड़ा अच्छा सा तैयार करके आपको भेजा है, तो आप कैसा पार्क चाहते हो? अच्छा पार्क बनाना चाहते हो। अच्छा कैसा होता है? पिच बनाए और विकेट लगा। भाई पिच बनी होनी चाहिए भाई, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो खेल सके, और मिट्टी भी है, इससे क्या होता है गला खराब हो जाता है, और इधर मच्छर भी घूमने, कचरा भी है तो उन्हें मच्छर बहुत काटते हैं, मच्छर बहुत काटते हैं। ओहो भाई बच्चा देखो शिकायत कर रहा है कि मैं यहाँ अगर खेलने आता हूँ तो मुझे मच्छर काटते हैं और इसके फेस पे नजर भी आ रहे हैं। बोलो भाई जो जिम्मेदारान है वो मेरा मसला हल करें भाई, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है खेलने में। मैं गली में खेलता हूँ, गली में खेलता हूँ, यहाँ नहीं आते फिर आप? नहीं, ये गंदगी है इसलिए मैं यहाँ नहीं आता। इतना छोटा बच्चा भी ये चीज समझता है कि यहाँ इतनी गंदगी है इसलिए मैं यहाँ नहीं आता, तो पता नहीं जिनकी ये जिम्मेदारी है वो कैसे आंखें बंद करके बैठे उनको नजर नहीं आता क्या? कम से कम अपने पैसे हलाल करें ना। स्कूल में टीचर पढ़ाती हैं कि कचरा सफाई करना अच्छी बात होती है, साफ करा करें। सफाई निफ्स ईमान है, यहाँ नजर आता है आपको? नहीं, हमें ऐसा पार्क चाहिए कि यहाँ लाइटें लगी हो, खूबसूरत हो। आप यहीं रहते हैं? जी, अरसा दराज से हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूज़ वन का कि उनको माशाल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी कि हम लोग के जो मसले मसाइल हैं उसके लिए यहाँ पर पहुँचे, जबकि ये डिपार्टमेंट्स का मामला है कि जिनको यहाँ पर आना चाहिए, जिनकी सरबराही में सारे काम हो रहे हैं। बल्दियात वाला मामला मैं आपको बताऊँ, शुरू से हम लोग बचपन से छोटे से बड़े हो गए यहाँ पर, हमारे यहाँ बेताशा जो पार्क थे इतने खूबसूरत थे कि हमारी फैमिलीज यहाँ पर आके शाम में रात में आके टहल वगैरह करते थे, बच्चे वगैरह जो यहाँ पर घूमते थे, खेलते थे, कूदते थे। लेकिन आज इनका पार्कों का आप हाल देखें कितना बुरा हो गया है। सबसे बड़ी बात ये, जो पुराने हमारे गवर्नर साहब थे उन्होंने यहाँ पर हमारा जो एक निज़ाम सेट करके दिया था उस पर कराची एकेडमी के पास एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पर एक मस्जिद है जिसकी बैतुलसलाम मस्जिद है, जिसका नमाज ईद उल फितर वगैरह वहाँ पर अदा की जाती थी। आज इस गवर्नमेंट ने हमें वहाँ पर कचरे का ढेर का तोहफा दिया है, आप जाके देखिए अभी तकरीबन वहाँ पर 100-150 डंपर रोजाना पूरे सेंट्रल का कचरा जाके डालते हैं। उसे क्या डेजिग्नेटेड कचरा कुंडी बना दिया है? बाकायदा पूरी कचरा कुंडी बना दिया, आसपास सारी आबादी है। इतना ताफुन फैला रहता है, इतने मसले मसाइल हैं, और आपको मेडिकल के हवाले से बताऊं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, कितने तो हादसात हो चुके हैं जो लोग यहाँ पर घर सेल करके चले गए। बाकी रहा था जो सारा काम था वो बिल्डर माफिया ने इसका बिल्कुल तबाह कर दिया है। ग्राउंड पे जो पहले लोग रिहाइश इख्तियार करते थे, जो मैप्स वगैरह SBCA से पास होते थे, उसके बिल्कुल बर्ग बना बना के इसको कमर्शियल बना दिया है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमर्शियल हब बन गया हो। ग्राउंड से लेकर फोर्थ फ्लोर तक जो है डेढ़ पोर्शन बना बना के सेल कर करके यहाँ से चले जाते हैं ये बिल्डर माफिया, और जितने भी हमारे पुराने यहाँ पर लोग रहते हैं, जो फैमिलीज रहती हैं, वो इस तरीके से इतना बुरी तरीके से परेशान है। लेकिन यहाँ कोई परेशान नहीं, कोई पूछने वाले नहीं आ रहा, कोई बल्दियात का निज़ाम मतलब बिल्कुल जीरो है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। अपनी अपनी जगह पर अच्छे एक दो पार्क उन्होंने जो साफ करा दिए उसकी वीडियो बना बना के मीडिया पर चला देते हैं, और इधर का आप अपना फेडरल बीरे के पार्क देखें वो कचरे का ढेर बन गए। बच्चे कहाँ जाके खेलें आप मुझे बताएं, बेचारे गलियों में खेलते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनके साथ, और पार्कों में आए तो कचरे का ढेर लगा पड़ा। शहर कायद के शहरी इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल से नबर्दाजमा हैं, लेकिन अफसोस जिन इदारों पर इन तमाम कामों की जिम्मेदारी है
वो आंखें बंद किए बैठे हैं। लेकिन जब कारकर्दगी पर सवाल उठता है तो इल्ज़ाम एक दूसरे पर डालकर बेइज्जती होने की कोशिश की जाती है। बाकी शहर की सफाई और तरक्याती कामों के हवाले से उनका कोई ख़ास काम होता दिखाई नहीं देता, जिसका अंदाज़ा सबको है। अब मिलकर अमली काविशों से इदारों को खुद को साबित करना होगा। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।